चलो स्टार्ट करते हैं। जहां पर कल मैंने छोड़ा था वहीं से आपको पिक करती हूँ अब मैं। आइए मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। जोक ऑफ द डे, कहाँ तक किया था? यहां से स्टार्ट करना है, करेक्ट? यस मैम। चलिए लेती हूँ यहां से मैं। अ फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग। अब ये जो है ना, यहाँ पर जो फैक्ट्स जो है, जो तथ्य के बारे में बता रहा है, जो आपकी एग्जिस्टेंस के बारे में बोल रहा है, यानी कि फैक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में। देखो, रेलेवेंसी और फैक्ट्स का संबंध क्या आता है? रेलेवेंसी और फैक्ट्स का ये संबंध आता है कि जो भी एविडेंसेस आप कोर्ट में लेते हो, वही तो ये है, यही है जिस चीज को रेलेवेंट करना है। मतलब आपके पास उस चीज का सबूत है, एविडेंस है, यानी कि आपके पास वो चीज का साक्ष्य है। ठीक है, तो इस वजह से ही फिर हम ये बात को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड, आप लोगों को माइंड की बात बोल रही है कि दिमाग की बात बताई जा रही है, फिर बॉडी और बॉडीली फीलिंग की बात बताई जा रही है। अब देखो यहाँ पर फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस यानी कि जो आप लोगों को दिख रहा है, आप समझ पा रहे हो, एनी स्टेट ऑफ माइंड। अब स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगी कि स्टेट ऑफ माइंड क्या है। उससे पहले चलती हूं मैं यहाँ पर कि इंटेंशन क्या है, नॉलेज क्या है, और गुड फेथ क्या है, नेग्लिजेंस क्या है, रैशनेस क्या है, इलविल क्या है, गुडविल क्या है। तो ये सारी टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, मतलब ये सारी चीजें किसी पर्सन के लिए बोली जा रही है जिसके खिलाफ है। तो शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग आर रेलेवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग्स इज इन इशू और रेलेवेंट। अब देखो है ना, आप लोगों को ये पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हमने मैंने हमेशा क्या है कि इंडियन एविडेंस का -2 चल रहे हैं हम लोग। याद रखना, इंडियन एविडेंस का -2 चल रहा है, यानी हम लोग ने इसको कहाँ पे पढ़ा था? इंडियन एविडेंस एक्ट में 14 में पढ़ा था। आप 14 कहाँ पढ़ रहे हो? 12 में पढ़ रहे हो। तो मैं आपको एक बात समझा देती हूँ कि रेलेवेंसी का मतलब क्या होता है बेटा। तो रेलेवेंसी का मतलब ये होता है कि जो चीज आप एविडेंस में दे सकते हैं। तो ये जो रेलेवेंट की बात की जा रही है, बॉडी और बॉडीली फीलिंग की बात की जा रही है, बताती हूँ। तो पहले एक बात समझनी है आप लोगों को, रेलेवेंसी का मतलब यही है कि जो चीज आप एविडेंस में दे सकते हैं, यानी कि जिस साक्ष्य को आप कोर्ट के सामने ला सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है ना, जो आपको शो कर रहा है स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग। देखो इंटेंशन जो होती है ना, वो अलग अलग प्रकार की इंटेंशंस होती है। तो देखो, अब हमने ना जब आईपीसी पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने मेंस रिया, मैं दिखाऊंगी आपको, मैं सब बता रही हूँ भी, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा ये दे रही हूँ। मेंस रिया, एक्टस रीस के बारे में पढ़ा हुआ है। तो डिफेंस क्या होता है हमको पता है। अब मैं अगर कहूँ स्टेट ऑफ माइंड, तो आप में से भी किसी के मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, मेरे मन में क्या चल रहा है ये सब आप लोगों को भी नहीं मालूम है कि जो स्टेट ऑफ माइंड की यहाँ पे बात की जा रही है ना। आप किसी भी धरंधर को लेके आ जाओ, आप किसी इतने बड़े हस्ती को लेके आ जाओ, वो आपके मन में क्या चल रहा है ना, वो नहीं बता पाएंगे। तो ये स्टेट ऑफ माइंड है, जो आसान नहीं है कि किसी के मन में क्या चल रहा है हम पता कर सके। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब देखो, हम लोगों को अगर समझो कहाँ से धमकी आती है, तो आपका डर जो है वो दिखता है ना चेहरे पे, कि अगर कहाँ से आपको धमकी आ गई फोन पे, या किसी ने आपको खड़े खड़े ऐसे धमका दिया कि देख तुझे रात में तू निकल, देख तेरी हालत क्या होती है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, इसके अंदर एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है, जो है एग्जिस्टेंस में है। आज आप बोलते हैं ना कि मैं हूं, तो एग्जिस्टेंस में मैं आपके सामने बैठी हूँ। तो मेरे खिलाफ अगर आपको कुछ भी दिखाना है तो आप एविडेंस में ले सकते हो, क्योंकि मैं अगर कुछ बोलूंगी, अगर वो रेलेवेंट हो जाती है, तो आपके लिए क्या है, एक प्रूफ तैयार हो रहा है, एक साक्ष्य तैयार हो रहा है।
यहां तक समझा कि स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है, वो स्टेट ऑफ माइंड कि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि किसके मन में क्या चल रहा है, मुझे क्या पता, आपके क्या, मेरे मन में क्या चल रहा है, आपको क्या पता। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ना, नॉलेज के पास पहले चलती हूँ, इंटेंशन के पास बाद में चलती हूँ। अब देखो, नॉलेज किस बात का नॉलेज, अगर कोई ऐसा एक्ट जो क्रिमिनल बाय अ रीजन है, या वो क्रिमिनल नॉलेज है उस बात का, उसको इंटेंशन है, जब कोई एक्ट की जाती है, व्हेनेवर एन एक्ट का मतलब है कि ऐसी कोई प्रक्रिया की जाती है जो क्रिमिनल ओनली बाय रीजन इज टू नो इज डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, यानी कि आपने ऐसा कोई कार्य किया है जो कि आपको उस बात का संज्ञान है, आप उस बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि आपको उस बात का पूरा पूरा क्रिमिनल नॉलेज है, और आपकी इंटेंशन भी दिख रही है कि आप करना क्या चाहते हो। ये बात मैं आपको इलस्ट्रेशन से बहुत बढ़िया क्लियर करूंगी कि इज डन बाय सेवरल पर्सन। अगर देखो, अगर ऐसा कोई कार्य होता है, जैसे चोरी की बात करूं, तो दो तीन जन जो मिलके चोरी करते हैं तो उनका क्रिमिनल इंटेंशन समझ में आता है, उनको नॉलेज है ना कि यहाँ पे चोरी होने वाली है। तो यहाँ पर सर्विल पर्सन्स के बारे में बोला जा रहा है, ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइंस द एक्ट इज लाइबल फॉर द एक्ट। आप लोगों ने उसमें ज्वाइन किया, आपने उसमें पूरा पूरा अपना हिस्सा दिखाया कि मैं इसमें हूं, और जो बात मैंने आप लोगों को वहां कही थी ना कि भले ही आप लोगों को इस बात का नॉलेज है कि नॉलेज नहीं भी है, आप उस ग्रुप को बाद में ज्वाइन किए हो, लेकिन आप लोगों को पता तो है ना वहां पर ये सारा कार्य होने वाला है, ये सारी चीजें होने वाली है। तो ये एक्ट उसने खुद ने अलोन किया है या किसी के साथ में मिलके किया है, तो उस बात का इंटेंशन और नॉलेज उसको भली भांति है। ठीक है, इस बात का नॉलेज है। नाउ नेक्स्ट, गुड फेथ। अब गुड फेथ की बात मैं कहूं तो नथिंग इज सेट टू बी बिलीव इन अ गुड फेथ विच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। हम लोग जब आईपीसी पढ़ते थे तो ये सेम डेफिनेशन हमने वहां भी पढ़ी थी, बीएनएस में भी इस बारे में हम लोगों ने गुड फेथ के बारे में पढ़ा यस मैम, हुआ है। तो 52A में देखो, पढ़ते थे। वो तो आईपीसी में पढ़ी थी ना तुमने, यस मैम, रूम बीएनएस में कहाँ पढ़ी इसकी डेफिनेशन आपने? में। हाँ, इन अ हयात वर्सेस एम्परर accused saw stopping a child at a place which was believed by him and other villagers to be haunted. Accused को वहां पे रोका गया था उस बच्चे को, क्योंकि उनको लगता था कि वहां पर जो है ना भूत वगैरह होता है ना, हॉन्टेड प्लेस होती है जहां पर कुछ ऐसे चीजें होती है, जैसे हवा में कोई उड़ रहा है, यहाँ कोई मतलब ब्लैक मैजिक जैसे कहूँ इन द सेंस ऐसे। तो ही किल्ड द चाइल्ड बिफोर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक, उसने उस बच्चे को मार दिया बिफोर उसकी मिस्टेक को डिस्कवर करने के लिए, उसने गुड फेथ में किया, क्योंकि अगर वो चाह रहा था कि ऐसा ना हो जाए कि कोई भूतनी आकर मेरे बच्चे को खत्म करे, कोई भूत आके उसके अंदर में प्रवेश करे, तो इट वॉज हेल्ड दैट इट कुड नॉट बी हेल्ड इन गुड फेथ। एब्सेंस ऑफ गुड फेथ अगर होता है, जहां पर गुड फेथ नहीं है वहां पर आप लोगों को समझना है कि वो केयरलेसनेस है और नेग्लिजेंस है। डॉक्टर्स तो इसमें पहले आते हैं। ठीक है, आप एज अ लॉयर, मैं कहूँ इतने सारे लॉयर्स इस दुनिया में बैठे हुए हैं ना, कोई कुछ सलाह देता है, कोई कुछ सलाह देता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो मेरे को एकदम ऐसे लगता है कि यार तुम वो बताओ ना जो सही है। पर देखो, नॉलेज है हर किसी का अलग अलग ही होगा, मेरा नॉलेज आपका नॉलेज दोनों मैच थोड़ी खाएंगे, मेरी जो सलाह होगी आपकी थोड़ी होगी। तो ये जो नेग्लिजेंस है, गेटिंग अ ऑपरेशन ट्रीटमेंट ऑफ एनी सर्विसेज कम विद इन द मीनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, जो भी ट्रीटमेंट करनी है, जो भी सर्विसेज, जो कि नेग्लिजेंस का पार्ट है, इफ वी अप्रोच अ मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर अ ट्रीटमेंट, अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसके पास जाते हो ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि आप लोगों को और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आप बोलते हो कि मेरे को पेट में दर्द है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं तो पैसे दूंगी ना आप दोनों, और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। इफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर उसने कुछ नेग्लिजेंस कर दिया, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हम जाएंगे, लेकिन एविडेंस तो यहां से ही लेंगे ना, हम जाएंगे वहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बेटा। लेकिन नेग्लिजेंस जो हुई है, जो डॉक्टर ने जो कमाल किया है, जो कमाल की बात हो रही है, वो तो यहीं से होंगी ना।
समझा? चलो, रैशनेस का मतलब मैं बता दूं कि अब देखो, एनी वेसल में भी नेविगेटेड रैशली और नेग्लिजेंटली। अब देखो, किसी भी ह्यूमन लाइफ को अगर हम डेंजर में डाल देते हैं तो वो कहीं ना कहीं रैशनेस है। किसी को आप हर्ट करते हो, इंजरी पहुंचाते हो किसी ऐसे पर्सन को, वो रैशनेस है। ठीक है ना? इंटेंशन, अब इंटेंशन जो मैंने कहा ना कि आपको बाद में इंटेंशन पे लेके आऊंगी, तो इंटेंशन जो है ना, ये फर्स्ट स्टेज है क्राइम का। पहला मुद्दा जो शुरू होता था आईपीसी के अंदर था, वो इंटेंशन था, जिसको पैनलाइज किया गया था आईपीसी। ठीक है? तो लॉर्ड कैनी जब थे ना, तो उन्होंने इलस्ट्रेशन में एक वेरी गुड एग्जाम्पल लिया था कि अ पर्सन पिक्स अप एन अम्ब्रेला विथ एन इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग। एक बंदा था, उसने अम्ब्रेला उठाई कि मुझे ये अम्ब्रेला चोरी करनी है, और बाद में उसे पता चला ये तो मेरी अम्ब्रेला है, ये तो मेरी अम्ब्रेला है, क्या इंटेंशन है ना ये। तो इस सिचुएशन के अंदर जो क्रिमिनल लाइबिलिटी को इम्पोज किया जाता है कि इंटेंशन जो था उसका क्या इंटेंशन था, उसको तो अम्ब्रेला चोरी करनी थी, स्टील करनी थी। तो रीजन जो है ना यहाँ पर स्टीलिंग का, मेंस रिया नहीं आता है, क्योंकि उसने खुद की चोरी की, वो सिर्फ इंटेंशन तक ही रह गया, आगे बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। ठीक है? तो वो कैटेगरी में नहीं आता, बिकॉज इट डज नॉट रिजल्ट टू दिस एक्ट। देयरफॉर द इंटेंशन, ये जो है इंटेंशन को थोड़ी पनिशमेंट दी जा सकती है। मोटिव है क्या? आगे कुछ किया है क्या? तो एक्टर सीरीज में क्या होता था ना, जब फिजिकल एक्ट होता था, विच अ पर्सन डज विद अ मेंस रिया, जहां पर गिल्टी माइंड की बात आ जाए, अगर क्राइम, अगर ऑफेंस आपने कमिट किया है, उस ऑफेंस को आपने किया है, तो आपकी इंटेंशन और एक्ट वो दोनों क्राइम हो जाएगी। ठीक है? ये है इंटेंशन। अब इलविल की बात करूं, ये इलविल ना मुझे थोड़ा ऐसे लगता है कि देखो, वेन एवर एनी ऑफिस विच एम्पावर्स हिम लीगली टू कमिट अ पर्सन फॉर ट्रायल ऑफ कन्फाइनमेंट और कीप अ पर्सन इन कन्फाइनमेंट, अगर आप किसी को कन्फाइन करके रखते हो, किसी को पकड़ के रखते हो कि नहीं आज तेरे को इधर काम करने का, मैं तेरे को छोड़ने नहीं वाली हूँ यहाँ से, तो उसके खिलाफ जो है, उसके मर्जी के खिलाफ हम जो कार्य कर रहे हैं, किसी को कन्फाइन करके रख रहे हैं, किसी को ये कर रहे हैं, किसी को करप्टली, किसी को मैलिशियसली अगर ये कर रहे हैं, तो लीगल अथॉरिटी क्या बोलती है कि आप किसी को भी, किसी भी पर्सन को आप ऐसे बंदी बना के नहीं रख सकते उसके मर्जी के खिलाफ। दैट इज इल विल। ठीक है? अब एक्सप्लेनेशन जाने से पहले, आप लोगों ने समझा कि मैंने आप लोगों को अलग अलग वे से सब बताया कि इंटेंशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, गुड फिथ क्या होता है, नेग्लिजेंस क्या होता है, रैशनेस क्या होता है, इलविल क्या होता है। अगर मैं गुडविल की बात करूं तो वो आपके रेप्यूटेशन की बात करता है। ठीक है? बॉडी और बॉडीली फीलिंग समझे, क्लियर? आगे बढ़ू, एक एक पोर्शन को मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है कि नॉलेज क्या है, गुड फेथ क्या है, नेग्लिजेंस क्या है, रैशनेस क्या है, इंटेंशन क्या है, इलविल क्या है। अब आती हूं मैं एक्सप्लेनेशन नंबर वन पे। अ फैक्ट इज रेलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली, नॉट जनरली, नॉट जनरली, बट इन रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर, कहीं ना कहीं पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। अब ये जो मैं आपको जनरली और पर्टिकुलर की बात बता रही हूँ ना, ये एक्सप्लेनेशन नंबर वन आप लोगों को ये बताएगा कि भाई जनरल बात क्या है, पर्टिकुलर बात क्या है। ऐसे फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे। ऐसे फैक्ट यानी कैसे फैक्ट, कौन सी बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, जो केस कोर्ट के सामने है, जिसका एविडेंस आप कोर्ट के सामने लाने वाले हो, तो उसकी एग्जिस्टेंस दिखाओगे, उसकी रेलेवेंसी दिखाओगे कि मैं ये सबूत को कोर्ट के सामने ले जा सकती हूं। उसमें आपको स्टेट ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा जो एग्जिस्ट करता है, जो शो करना पड़ेगा भाई क्या एग्जिस्ट करता है, कौन सा स्टेट ऑफ माइंड है। तो एक फैक्ट रेलेवेंट है, अगर एक फैक्ट रेलेवेंट है, तो स्टेट ऑफ माइंड की जो बात की जा रही है, जो मुद्दा है कोर्ट के सामने, जिसे हम कहते हैं फैक्ट इन इशू, जो मुद्दा है कोर्ट के सामने उसे हम कहते हैं फैक्ट इन इशू। तो स्टेट ऑफ माइंड जो है पर्टिकुलरली
वो जनरली अगर मैं कहूं, एक व्यक्ति अगर काम करता है नेग्लिजेंटली, कौन सा भी व्यक्ति, मैंने उसको बोला ये काम कर, वो नेग्लिजेंट, छोड़ मैडम खुद ही दिखेगी, हम थोड़ी उसके नौकर है ये सब करने के लिए, नेग्लिजेंस। अगर मैं एक व्यक्ति को बोलती हूँ ये काम कर, उसने नेग्लिजेंटली वो काम किया, तो वो नेग्लिजेंस जो हुई है वही फैक्ट को लेकर, वो फैक्ट को लेकर जो नेग्लिजेंस हुई है, मैंने आपसे कहा मेरा ये काम कर, तो आपने बोला मैडम का काम है हम क्यों करें, और आपने वो नेग्लिजेंटली उस काम को किया, तो ये पर्टिकुलर फैक्ट जो मैटर है ये क्वेश्चन में आ जाएगा कि काम किसने किया, कौन था वो, कौन था, ये थी, वो था, वो थी, ये था। तो ये जो पर्सन अगर लापरवाही करता है, कोई भी पर्सन अगर किसी चीज को लेकर लापरवाही करता है, तो जनरली वो रेलेवेंट नहीं हो जाएगा। जनरली तो मैंने इसके लिए क्या बोला कि जनरली नहीं होना चाहिए, वो पर्टिकुलर होना चाहिए। आप है ना, इसके इलस्ट्रेशन से मैं आपको और क्लियर बताऊंगी कि जो बात मैटर इन क्वेश्चन है, यानी कोर्ट के सामने जो बात है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताती हूँ, और फैक्ट रेलेवेंट, ऐसा तथ्य जो रेलेवेंट होगा, रेलेवेंसी का मतलब ही है कि जो चीज का आप एविडेंस कोर्ट में दे सकते हो, उसको दिखाने के लिए आपको एग्जिस्टेंस में दिखाना पड़ेगा कि ये बात है भाई, ये बात है, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। तो एग्जिस्ट नॉट जनरली, वो जनरल नहीं होना चाहिए, वो पर्टिकुलर होना चाहिए, वो जनरल नहीं, वो पर्टिकुलर होना चाहिए, जो भी मुद्दा इन क्वेश्चन है, जो मैटर इन क्वेश्चन है, समझा। अब एक्सप्लेनेशन टू पे ना मैं थोड़ा सा आप लोगों को आगे ले चलती हूं, तो जैसे मेरा स्क्रीन पता नहीं क्यों चेंज नहीं हो रहा। हाँ ना, ए इज अक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोन देम टू बी स्टोलन। ए एक अक्यूज्ड है, ए एक अपराधी है, उसने स्टोलन गुड्स को रिसीव किया हुआ है और उसे पता है कि वो चोरी का माल है, उसको इस बात की भली भांति जानकारी है कि वो तो चोरी का माल है। इट इज प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया कि वो बंदे के पास चोरी का माल है। वो बंदा मतलब कौन, ए के पास क्या है, वो चोरी का माल है जो उसके पजेशन में है, उसके ताबे में है, उसके पास है। पजेशन का मतलब होता है ताबा, और उसके पास होना यानी उसके पास वो चीज है, चोरी का माल उसके पास है, ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल। समझो एक स्टोलन आर्टिकल, समझो ये एक आर्टिकल है, ये उसके पास है, ये एक स्टोलन आर्टिकल है। तो फैक्ट जो है, एट द सेम टाइम ही वाज इन अ पोजीशन ऑफ मेनी अदर आर्टिकल्स, यानी कि उस समय सिर्फ ये नहीं था उसके पास, उसके पास और भी चीजें थी, ये था, बुक था, पेन था, जो भी था, मतलब और भी उसके पास चीजें थी, तो अदर स्टोलन आर्टिकल्स रेलेवेंट हो जाएंगे, यानी कि दूसरे चीजों को लेकर आप एविडेंस दे सकते हो। सर इसके पास खाली ये नहीं है, इसके पास ये चोरी का माल नहीं है, इसके पास ये भी है, इसके पास और क्या क्या दिखाऊं, क्या क्या नहीं है। तो टू शो दैट ही न्यू ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ही वॉज इन अ पोजिशन टू बी स्टोलन, यानी उसको पता था, उसको पता है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड है कि जिसकी बात की जानकारी उसको पहले से ही है ना, कि भले मेरे पास एक चोरी का माल थोड़ी है, मेरे पास तो बहुत सारे चोरी के माल है। तो ये जो है ना, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता रही हूँ, तो ये सारा का साला जो है वो स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा है, जिसमें देखो चोरी का माल भी आ गया है ना, लेकिन हमने ये तो नहीं पता किया ना कि किसी के मन में क्या चल रहा है, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड तो पता कर ही गए हम लोग, कहीं ना कहीं नॉलेज तो आ गया ना इस बात का कि उसके पास सिर्फ ये नहीं था, उसके पास और भी चीजें थी जो हम लोग कोर्ट के सामने लेके जाके उसकी रेलेवेंसी दिखाएंगे कि सर एक पेन नहीं है उसके पास, उसके पास ऐसे बहुत, ये चोर है साला, ये चोर है, इसने चोरी किया है, तभी तो उसके पास ये सारे सामान है, नहीं तो कहां से आते, नहीं तो कहां से आते ये सारे सामान। अगर मैं ऐसे कहूं कि मेरे पास वो चोरी का एक ही सामान है बाकी नहीं है, तो क्या होगा वो, तो वो पर्टिकुलर होगा, क्या होगा वो पर्टिकुलर होगा या फिर यस जनरली होगा। या तो जनरली होगा, या तो पर्टिकुलर होगा या तो जनरली होगा। तो ये सब चीजें ना आपको यहाँ पे यही बता रही है, जो पर्टिकुलर और जनरल के बारे में बोल रही है।
सीधा सीधा हिसाब है, मैं फिर से बताती हूँ, एक अक्यूज है, उसने स्टोलन गुड्स, उसको पता था उसके पास चोरी का माल है, और उसके पास पजेशन में देखा एक स्टोलन आर्टिकल तो था, लेकिन उसके घर में जाने के बाद ये पता करा उसके पास एक चीज नहीं है, उसके पास 10 है, 12 है, ये है वो है, उसके पास बहुत कुछ है जो कि चोरी का माल है। तो अगर ये सारी चीजें है तो वो स्टोलन जो अदर आर्टिकल्स है उसके पास, वहां पे रेलेवेंसी हो जाएगी कि सर वो एक ही चोरी नहीं किया, उसने ए बी सी डी एक्स वाई जेड भी चोरी करके रखा है। समझा? क्लियर? क्लियर ऑन नो? पूजा, यस क्लियर हुआ? मैम, यस मैम, यस सबको क्लियर हुआ? मैम, चलो, ए इज एन अक्यूज ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग अनदर पर्सन अ काउंटरफीट कॉइन, विच ए एक अक्यूज्ड है जिसने फ्रॉड करते हुए किसी पर्सन को नकली नोट दिए हैं, समझो, ठीक है, ये नकली नोटों की बात हो रही है। एट द टाइम व्हेन ही डिलीवर्ड इट, जिस समय उसने वो डिलीवरी की थी नोटों की, ही न्यू इट टू बी काउंटरफाइट, यानी उसको पता था ये जो है ना नकली नोट जो है ये चोरी के हैं, ये नकली नोट्स हैं, ठीक है, उसको पता था ये बात, वो उस बात के नॉलेज में था, उसको पता था। द फैक्ट दैट एट द टाइम ऑफ इट्स डिलीवरी ए वॉज पजेस्ड बाय नंबर ऑफ अदर पीसेस ऑफ काउंटर कॉइन इज रेलेवेंट, यानी उसके पास एक नोट नहीं था चोरी का, एक नकली नोट नहीं था, उसके पास ऐसे और भी नकली नोट थे जिससे ये जाहिर हो रहा था कि ये तो काउंटरफीट का धंधा करता है, ये तो नकली नोट का बिजनेस करता है, अगर ये साला नकली नोट का बिजनेस करता है मतलब ये पक्का ही पक्का जो है इस चीजों को लेकर हम कोर्ट के सामने जा सकते हैं कि एक नकली नोट नहीं है, इसके पास अनेक नकली नोट है, और वो अनेक नकली नोट दिखाकर हम अपने एविडेंस को रेलेवेंट करवा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। द फैक्ट दैट ए हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, अब ये जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है ना जिसको मैं छोड़ के आई वहां पे, जो प्रीवियस कन्विक्शन की बात करता है ऑफ डिलीवरिंग अनदर पर्सन अ जेन्युइन काउंटरफाइट नोइंग इट टू बी काउंटरफीट इज रेलेवेंट, अब मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। ए जो है उसको इस नकली नोटों को लेकर पहले भी सजा हुई थी, यानी प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बता रहा है, और उसने ये जो नकली नोट है वो किसी दूसरे पर्सन को डिलीवर किए हैं और उसको कहा ये जेन्यून है, ये नकली नहीं है, ये रियल है, ये ओरिजिनल है, तो वो जो नकली नोट होंगे उसको पता होते भी वो काउंटरफीट है, नकली है, तो वो हो जाएगा रेलेवेंट, समझे, समझा क्या बोला मैंने? जो पुराने मतलब जो पिछला उनने ऑफेंस किया था, सेम ऑफेंस, इसमें नकली नोट को सही बता के, तो वो ऑफेंस रिलेवेंट हो जाएगा। समझा? मैम, ये तो कैरेक्टर से भी रिलेट कर रहा है ना, जो कैरेक्टर का हाँ प्रोविजन। हाँ कैरेक्टर, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को किस पॉइंट पे हम लोग हैं, बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग, नॉलेज, इंटेंशन, गुडविल, इलविल, गुड फेथ, तो हम यस, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना बेटा, ठीक ओके मैम, है। यस मैम। अब ए सूज बी फॉर अ डैमेज डन बाय डॉग ऑफ बीज विच बी न्यू टू बी फिरोशियस, फिरोशियस। अब मैं आपको बताती हूँ कि ए ने बी के ऊपर केस किया है कि बी जो है एक ऐसा कुत्ता पाल के बैठा है जो कि फिरोशियस है, जो कि खतरनाक है, डेंजरस टू द सोसाइटी, काटता है ना, उसे क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे, खूंखार, खूंखार, करेक्ट है ना, खूंखार, तो वो खूंखार है, ठीक है। तो फैक्ट दैट द डॉग हैड प्रीवियसली बाइटन एक्स वाई एंड जेड, ये फैक्ट था कि प्रीवियसली इससे पहले जो इस बी के कुत्ते ने, मैम, उसको पागल साले कुत्ता ने, हाँ बोलेंगे, सो पागल कुत्ता बोलेंगे। हाँ हाँ वही पागल कुत्ता, फिरोशियस,
खूंखार और क्या क्या बोलेंगे, मेरे को हिंदी नहीं आता इतना, थोड़ा इंग्लिश समझो ना यार, ऐसा क्या बोल रहे हो। ठीक है, अब ये फैक्ट था कि इस कुत्ते पागल ने क्या किया ना, इससे पहले भी बी के कुत्ते ने एक्स वाई जेड को काटा हुआ था और उन्होंने भी इस बात की कंप्लेंट जो थी बी से की हुई थी। तो यानी जो ए अगर डैमेजेस के लिए सू कर रहा है तो वो रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो ये साक्ष्य लेगा, ये एविडेंस लेगा कि सर मेरे को कुत्ते ने काटा, ये सही बात है, लेकिन ये कुत्ते ने एक्स वाई जेड को भी काटा है, हो गई रेलेवेंट, उसने एविडेंस ले लिया, वो बात क्या हो गई, रेलेवेंट हो गई, समझे। मैम, यस क्योंकि मैम, ये नॉलेज के बारे में बोल रहा है, ये बात नॉलेज के बारे में बोल रहा है, क्लियर। ठीक है, यहाँ पर नॉलेज था उस बारे में उसको, तो रेलेवेंट हो गया। ठीक है, पूछा, समझा बेटा। द क्वेश्चन इज वेदर ए इज अ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज न्यू दैट द नेम ऑफ पे वाज फिक्टिशियस, यानी कि ये सवाल कोर्ट के सामने आ रहा है कि क्या ए बिल का एक्सेप्टर है और उसको पता था कि जो पेई है वो फिक्शेशियस है, मतलब आर्टिफिशियल है, जो फिक्शेशियस को बोलेंगे कि आर्टिफिशियल, यानी कि जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो जो है ही नकली है, नकली। नकली है, नकली नकली है फिक्शेशियस। द फैक्ट दैट ए हैड एक्सेप्टेड द अदर बिल्स ड्रॉन इन द सेम मैनर बिफोर दे कुड हैव बीन ट्रांसमिटेड टू हिम बाय द पेई इफ द पेई हैज बीन अ रियल पर्सन इज रेलिवेंट। अगर समझो ऐसा फैक्ट, ऐसा तथ्य जो है कि ए ने दूसरे बिल्स भी तो एक्सेप्ट किए थे ना उससे, यानी कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज की बात नहीं हो रही, इनके बीच में दूसरे बिल के भी ट्रांजेक्शन हुए हैं और सेम मैनर में जो कि पेई ने उसके साथ में किए, तो पेई यहाँ पे रियल पर्सन हो गया ना, वो रेलिवेंट हो जाएगा। अगर उनका ट्रांजेक्शन एक ही होता था तो बात अलग थी, यहाँ पर तो उस बात का भले ही समझो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आपको खुलेआम क्या बोल रही है कि भाई आप लोगों का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो ए न्यू दैट द पे वाज फिक्शियस पर्सन, यानी कि ए को इस बात की जानकारी थी कि वो नकली है, तो तूने दूसरा ट्रांजैक्शन क्यों किया, अब ले एविडेंस में उसको बना रेलेवेंट, समझा। इजी जा रहा है, डिफिकल्ट जा रहा है, मैं एक एक इलस्ट्रेशन को ब्रीफली समझा रही हूँ इसके लिए, ठीक मैम, ये है। इलस्ट्रेशन कैसे याद होंगे? अरे इतनी इजी करके पढ़ा रही हूँ, तुमको याद नहीं होगी, ये बोल रही हूँ मम्मी, आप पूरा पूरा YouTube चैन मारो और मेरे को बताओ कि किसने इलस्ट्रेशन में एक एक सेक्शन के इलस्ट्रेशन पढ़ा रही हो, बताओ कौन पढ़ाता है क्या। नहीं मैम, वो जो है ना, इसके सीक्वेंस वाइज इलस्ट्रेशन लिखने होते हैं ना, तो इस वजह से पूछ रहे थे। मैं हूँ मरी नहीं हूँ, मैं हूँ, तुमको बताऊंगी कैसे याद करना है, ट्रिक भी दे दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, मैं आपको वो पॉइंट्स लिखा दूंगी, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, वही पॉइंट को पकड़ना है अपने को। अभी देखो फर्स्ट पॉइंट पे अगर मैं चलूं तो यहाँ पर हम लोगों को कौन सी बात बोली जा रही है, चोरी की बात की जा रही है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी की, स्टोलन गुड्स, तो ए स्टोलन गुड्स के बारे में बोलता है, बी आप लोगों को काउंटरफीट के बारे में बोलता है, सी आप लोगों को कुत्ते के बारे में बोलता है, डी आप लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बोलता है, ई बोलता है कि मेरी तो बदनामी हो गई, डिफमेशन। ठीक है, अब ई पे आते हैं, ए इज एन अक्यूज ऑफ डिफमिंग बी बाय पब्लिशिंग एन इम्प्यूटेशन इंटेंडेड टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ बी। यहाँ पर ए एक अक्यूज है जिसने डिफर्म किया है बी को ऐसी बात पब्लिश करके जो उसकी रेपुटेशन को हानि पहुंचा रही है, किसकी, बी, ठीक है, रेपुटेशन ऑफ बी। ये जो फैक्ट था कि जो प्रीवियस पब्लिकेशन हुई थी बाय ए रिस्पेक्टिंग टू बी, यानी इससे पहले भी उसने पब्लिकेशन किया था कि ये कुत्ता है, ये है, ये वो है, ये साला हरामखोर है, ठीक है, तो ये बात की पब्लिकेशन इससे पहले भी हुई थी, तो ये जो यहाँ पे ना शोइंग द इल विल ऑन द पार्ट ऑफ ए टुवर्ड्स बी इज रेलेवेंट एज प्रूविंग एज इंटेंशन टू हार्म बीज रेपुटेशन बाय अ पर्टिकुलर पब्लिकेशन इन क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये फैक्ट, इसको ध्यान से सुनो, कि जो प्रीवियस पब्लिकेशन हुई थी, यानी कि
पहले तो मैं बता दूं कि ये सवाल कोर्ट के सामने आया है कि ए एक अक्यूज्ड है जिसने बी को डिफेम करने के लिए ऐसा पब्लिकेशन किया है जो उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाएगा बी के, और इसी से पहले भी उसने एक और पब्लिकेशन की थी ए ने इन रिस्पेक्टिंग ऑफ मी, और उसने वो दिखाया था ए को, ए ने दिखाया था बी को कि उसका बात जो है वो रेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि उससे पहले भी उसने पब्लिकेशन की थी, और उसके बाद भी अगर उसने पब्लिकेशन की है तो उसके लिए तो सबूत तैयार हो चुका है। ठीक है, तो कोर्ट के सामने ये मुद्दा आ गया कि पर्टिकुलर पब्लिकेशन जो हुई है वो सवाल में आ गई कि कौन सी पब्लिकेशन क्या हुआ है। तो ये जो फैक्ट है, देर वॉज नो प्रीवियस क्वारल बिटवीन ए एंड बी, इससे पहले उन लोगों के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं था ए और बी के बीच में। ए रिपीटेड द मैटर ऑफ कंप्लेन एज ही हर्ड इट, यानी ए ने उस बात को रिपीट किया, फिर से किया, तो वो रेलेवेंट हो गया, शोइंग दैट ए डिड नॉट इंटेंड टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ बी। ए को कोई ये नहीं था, लेकिन ए ने तो किया ना, ए ने तो किया ना, दोबारा किया ना, तो उसको सबूत लेके ही तो मैं कोर्ट में जाऊंगी कि सर एक बार नहीं दो बार ये देखी, मेरे को बदनाम किया, मेरे को बदनाम किया, हाय मैं तो कहीं की ना रही। ओके क्लियर पूजा, देखो वो दोनों वीडियोस चालू करके बैठी है ना, तो कैसे मतलब मैं कहूं कि मुझे पता चल रहा है कि उन्हें समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, और दूसरों को मुझे नहीं मालूम समझ रहा भी है कि नहीं समझ रहा मैम है। कैसे पता से चलता आपको? एक बार समझा दीजिए क्या। क्या बोला विकी? मैम हम बोल रहे हैं, आपको कैसे पता चलता है उसे समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? फेशियल एक्सप्रेशन क्योंकि मेरी हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस बन चुकी है ना आप लोगों के साथ में, अगर आप वहां पे बैठ के ना कैसे मूंगफली भी पता खाते हो या चल कुछ जाता है? खाते भी हो ना तो भी मुझे पता चलता है। मैम वीडियो बन रहे ना, पता चलेगा खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। हाँ तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि आप कुछ भी करें लेकिन मुझे पता चलता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं वहां पे बैठ के। देखिए मैम एक बार चलिए, फिर समझा दीजिए। क्या समझाऊं डिफमेशन की बात? अब मेरे लिए आप ये वीडियो को देखना और उसके बाद में मेरे से फिर से समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है? चलो अब एफ पे आते हैं। ए सूड बाय बी फ्रॉडलेंटली रिप्रेजेंटिंग टू बी दैट सी वॉज सॉल्वेंट। अब ये तो क्या फंडा है भाई, ए ने सू किया बी को, उसने ये रिप्रेजेंट किया कि सी जो है वो तो सॉल्वेंट है, पैसा है पैसा है पैसा है, डर मत, बहुत पैसा है साले के पास, सी सॉल्वेंट है, टेंशन मत लेना, मैं है सी से पैसा वसूल करके दूंगा। यानी वेयर बाय बी बीइंग इंड्यूस्ड टू ट्रस्ट सी, यानी कि ए ने इंड्यूस किया बी को, ए विश्वास कर ले ये बहुत पैसे वाला है, तेरे को बहुत माल मिलने वाला है ना, तो बीइंग इंड्यूस टू ट्रस्ट सी यानी उसको इंड्यूस किया कि सी को ट्रस्ट कर ट्रस्ट कर ट्रस्ट कर, पैसा आएगा लॉटरी लगेगी माल आएगा ठीक है। हु वाज इंसॉल्वेंट, वो पहले से ही साला कंगाल था, इंसॉल्वेंट था, सफर्ड अ लॉस, अब उसको तो वो बर्बाद हो गया ठीक है, उसको तो एक के ऊपर इतना विश्वास था, बी ने बी को उसे इंड्यूस इतना कर दिया कि विश्वास कर मैं जो कह रही हूँ ना सच कह रही हूँ, सच के सिवा नहीं कह रही हूँ, उसके पास बहुत माल है, अपन करोड़पति और अरबपति बनने वाले हैं। तो फैक्ट एट दैट टाइम व्हेन ए रिप्रेजेंट सी टू बी सॉल्वेंट, ए ने रिप्रेजेंट किया सॉल्वेंट, सी वाज सपोज टू बी सॉल्वेंट बाय हिज नेबर्स एंड बाय पर्सन डीलिंग विथ हिम, यानी कि उस समय जो सी था उस सब लोग बोलेंगे ना कि ये सॉल्वेंट है, कौन विश्वास नहीं करेगा क्योंकि ए ने फैला के रखा था ना पूरी सोसाइटी के अंदर इस पैसे वाला है चोरी नहीं ऐसा नहीं करेगा, चिंता मत करना पैसा अपना घर में पड़े लाए, पर पड़ेला नहीं है अपना वाट लगे ला है, तो वो वाट जो लग गई ना कि सब लोगों को ये लगा कि वो सॉल्वेंट है और वो निकला इनसॉल्वेंट, तो ये जो सारी चीजें की गई थी इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुड फेथ में की गई थी क्योंकि ए ने विश्वास दिलवाया था ना और ए को भी लगा कि वो ये है, तो ए ने भी गुड फेथ में किया, उसको ट्रस्ट दिलवाया, उसको इंड्यूस किया बी को दे पैसा दे पैसा दे पैसा दे, अब पैसा देने के बाद उसकी तो वाट लग गई, लग तो ऐसी गई उसने तो गुड फेथ में किया था, उसको क्या मालूम कि वो सच्ची में जो है वो कंगाल पार्टी है, उसके पास कुछ है ही नहीं, समझा?
मजा आ रहा है इलस्ट्रेशंस में, समझ रहा है गुड फेथ क्या है, समझ रहा है इंटेंशन क्या है, समझ रहा है नॉलेज क्या है। चलो ना, ए इज इश्यूड फॉर बी फॉर प्राइस ऑफ वर्क डन बाय बी अपॉन अ हाउस ऑफ विच ए इज द ओनर। ठीक है, ए ने सू किया बी को फॉर अ प्राइस ऑफ वर्क। ठीक है, जो भी वर्क किया था उसने, किसने, बी ने, उस घर के ऊपर जो ए उस घर का मालिक है। ठीक है, बाय द ऑर्डर ऑफ सी, ऑर्डर सी ने किया था क्योंकि सी अ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, ए ने डिफेंस लिया कि बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था सी के साथ में, जो फैक्ट है कि ए पेड सी फॉर द वर्क इन क्वेश्चन इज रेलेवेंट, यानी कि ए ने जो भी पैसा सी को दिया था उसके घर काम करने के लिए वो रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एज प्रोवाइडिंग इट दैट ए डिड इन गुड फेथ, क्योंकि गुड फेथ में किया उसने, बोला उसने काम करके दिया, तो मेक ओवर टू द सी द मैनेजमेंट ऑफ द वर्क इन क्वेश्चन सो दैट सी वॉज इन अ पोजिशन टू कॉन्ट्रैक्ट विद बी ऑन सीज ओन अकाउंट एंड नॉट एज एन एजेंट ऑफ ए। यानी सी चाहता था तो अपने अकाउंट पे करता था ना, उसको बनने के एजेंट की जरूरत क्या थी, ए ने बी को सू किया इसीलिए किया ना, तो ये सारी चीजें जो है ये रेलिवेंट हो जाएगी और इस बात का सबूत हम कोर्ट के सामने ले सकते हैं ना कि अगर उसको एजेंट बनने की क्या जरूरत थी, वो डायरेक्टली करता, डायरेक्टली ए का एजेंट बनने की जरूरत क्या पड़ी थी। समझा, क्लियर हो रहा है? यस मैम। हाँ महेश बाबू, क्लियर झाला कि नहीं? चलो अभी मैं एच पे बाद में आती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो भी गुड फेथ की बात कर रहा है। अब आई पे आते हैं। ए इज चार्ज विद शूटिंग एट बी विद एन इंटेंट टू किल हिम इन ऑर्डर टू शो एज इंटेंट। द फैक्ट ऑफ एज हैविंग प्रीवियसली शूट एट बी मे बी प्रूफ। अब ए को चार्ज किया गया था बी को शूट करने के लिए क्योंकि उसका इंटेंशन था बी को मारने के लिए। ठीक है, बी को मारने के लिए, तो इसमें जो था ना, ए का इंटेंशन ऑफ द फैक्ट, ए ने ये काम उसको प्रीवियसली भी मारा है गोली से, तो ये अभी की बात नहीं है, ये अभी की बात नहीं बोली जा रही है। ए ने ये पहले भी उसको शूट किया है, प्रीवियसली का मतलब है इससे पहले भी बी को शूट करने की कोशिश की है, तो जो शूटिंग की यहाँ पे बात की जा रही है उसको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना, हेंस प्रूफ्ड, जैसे कहते हैं ना, हेंस प्रूफ्ड। समझा या नहीं समझा? यस मैम, प्रीवियस कंडक्ट की बात कर रहा है ये। ये प्रीवियस कंडक्ट और प्रीवियस इंटेंशन की बात कर रहा है, यहाँ पर यस प्रीवियस इंटेंशन के बारे में बोला जा रहा है। क्या कर तो रे महेश, हेलो। ठीक है? हाँ, कैसा नहीं, पूरा लो? कह देना। नहीं तू काय दाखवत होता ना मला, म्हणून विचारते। कधी आता व्हिडिओ ऑन केला होता ना, काय म्हणून तर तुला विचारले काय झालं। ठीक नाही काय नाही है, ये परत इथं तो। चला, ए को जो चार्ज किया गया था, मैं क्या बोल रही हूँ फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछी भी जाती है। ए को जो चार्ज किया गया था किस चीज के लिए किया गया था, कि उसने जो इंटेंशन रखा था बी को वो क्या करना चाहता था, किल करना चाहता था। ठीक है, तो इस इंटेंशन, ये जो इंटेंशन है, ये जो इंटेंशन है वो बी के ऊपर जो शूट किया, यानी कि शूट मतलब क्या बोलते हैं, गोली चलाई, है ना, गोली चलाई, तो ए के इंटेंशन को प्रीफ प्रूफ किया जा सकता है ना कि ए का इंटेंशन था, तो इससे पहले जो बी के ऊपर उसने गोली चलाई थी, तो ये प्रीवियस इंटेंशन के बारे में आप लोगों को बता रहा है, मे बी प्रूव्ड है, हो सकता है इसको प्रूफ करना पड़े, पर इट इज हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्लियर, यस मैम। क्लियर दीपशिका, क्लियर? यस मैम। ए इज चार्ज विद सेंडिंग अ थ्रेटनिंग लेटर्स टू बी।
ठीक है, थ्रेटनिंग लेटर्स प्रीवियसली सेंट बाय ए टू बी मे बी प्रूफ एज शोइंग द इंटेंशन ऑफ लेटर्स। अब देखो, ए को चार्ज किया गया था क्योंकि वो धमकी भरे लेटर्स भेज रहा था बी को, ठीक है। उस धमकियों में उसने ऐसी ऐसी धमकियां दी थी, तो जो थ्रेटनिंग लेटर्स उसने, जो धमकी वाले पत्र जिसे कहते हैं, जो पहले उसने भेजे थे सेंट बाय ए टू बी, जो ए ने भेजे थे बी को, उसे प्रूफ किया जा सकता है उसकी इंटेंशन दिखाने के लिए। सर इसने एक बार नहीं किया, इसने पहले भी मुझे धमकी वाले लेटर्स भेजे हैं, ये अभी भी साला मेरे को धमकी वाले लेटर्स भेज रहा है, तो इसका जो इंटेंशन है उस लेटर्स को भेजने के लिए वो प्रूफ हो गया, और उसकी रेलेवेंसी आप कोर्ट में दिखा पाओगे कि सर इससे पहले भी उसने मुझे लेटर्स भेजे हैं, ये लेटर लेटर नहीं है, ये लेटर्स है, ये खत नहीं है, ये खते हैं। समझो? क्लियर? डिफिकल्टी? नो? आगे बढ़ूं? द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज बीन गिल्टी ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स वाइफ, हिज वाइफ। मैंने पहले ही पढ़ लिया हिज वाइफ, ठीक है, क्योंकि मैं आज एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आप लोगों को मैं कुछ ऐसा दिखाना वाली हूँ कि वुमेन गो टू जेल, ठीक है। मैं वुमेन हूं, बट आई वॉन्ट वुमेन टू गो टू जेल, ठीक है। और मैं ट्राई करना कि आप जितने सारे कमेंट्स कर सको, क्योंकि यहाँ के जो पालक मंत्री है ना, उन्होंने मुझे कहा है कि आप इस चीज को लेके आए, हम इस चीज को लेके आएंगे, तो मैं चाह रही हूं कि वो चीज आवे। इज इट पॉसिबल? पजल 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 खेलेंगे हम, ठीक है। पॉसिबल है ये? हाँ, करवाऊंगी, मैं करवाऊंगी पॉसिबल। आप सब दुआ करें कि मैं जो चाहती हूँ वो मैं करवाऊंगी, ठीक है। ब्लेसिंग्स आपकी, बाकी जो करना है वो मैं कर लूंगी, ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज बीन गिल्टी ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स बी, यानी कि क्या ए जो है कोर्ट के सामने, ये मुद्दा था, ये सवाल था कि क्या ए जो है अपनी वाइफ को, अपने वाइफ के लिए गिल्टी है क्रुएल्टी के मामले में, ठीक है। 498A क्रूल्टी, जो कि अब 498A नहीं रहा, वो है 84BNS, ठीक है। 498 498 ना रहा, 84BNS हो गया। तो एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग टुवर्ड्स ईच अदर शॉर्टली बिफोर और आफ्टर अलाइज क्रूल्टी आर रेलेवेंट, यानी कि जो हम लोग ड्राफ्ट करते हैं, तो इससे पहले हम लोगों के साथ में इसने मारा, बुक्का मारा, लात दी, है ना, जिसमें हम बोलते हैं ये मेरे को थ्रेटेन करता था, रात भर सोने नहीं देता था, ये वो, और मेरे को बोलता था कि चल हम लोग इधर चलेंगे, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तूने वैसा नहीं किया तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तो दिस ऑल अमाउंट्स टू क्रूल्टी। तो ये सारी चीजें रेलिवेंट फैक्ट्स में जब हम आर्ग्यू करने जाते हैं, इज इट इनऑडिबल, इज दैट सो? विकी नो, क्या मैम मैसेज है? परफेक्टली ऑडिबल। खान सर जी, मैं आप तो इतना, दोबारा से ज्वाइन करिए। हाँ आप दोबारा से ज्वाइन करिए, मैम आप मेरी ऑडिबल आवाज है, बिल्कुल टेम्पोरियल सही वाला कर रहे हैं, है ना, सुन रहे हैं ना, मतलब मैं तो ऐसे नहीं, है ना, नहीं मैम, अब ठीक है। फोर ठीक है। नाइनटी एट में क्या होता है मैम? 498 में ये मैंने कहा कि अब तुम उस वीडियो को देखना, शाना, ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर एज डेथ वॉज कॉज्ड बाय पॉइजन, हाय हाय मार डाला, है ना, कौन सा जहर दिया ये तो बाद में पता चलेगा। तो स्टेटमेंट मेड बाय ए ड्यूरिंग हिज इलनेस एज टू द सिम्टम्स आर रेलेवेंट फैक्ट्स। आपको पता है ना कि जहां पर हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन, जो डीडी की बात करते थे हम लोग 32(1) में, जब हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में थे, तो अब वो डाइंग डिक्लेरेशन डीडी जो है, वो डाइंग डिक्लेरेशन कौन से सेक्शन में है आप मुझे बताओ? बीएनएस, सॉरी बीएसएस में, 30 हाँ 30। तो ये 30 की बात कर रहा है कि कोर्ट के सामने ये सवाल था कि ए जो मरा है वो, उसको पॉइजन दिया गया था क्या, क्या उसकी जो डेथ हुई थी, वो जो मरा था उसको पॉइजन देके मारा गया था क्या? तो स्टेटमेंट जो थी मेड बाय ए, यानी ऐसी स्टेटमेंट जो ए जब बीमार था उस समय उसने ये कहा था, तो ये जो सिम्टम्स है इस बात को लेकर वो रेलेवेंट हो जाएंगे कि उसको पॉइजन देके मारा गया था, ठीक है।
समझो, क्लियर? हाँ यस मैम। अब आते हैं एम पे। द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एज हेल्थ एट द टाइम व्हेन द अश्योरेंस ऑन द लाइफ वाज इफेक्टेड। अब ये सवाल था कि उस समय जो ए की हेल्थ थी तो उसका स्टेट ऑफ माइंड जो था वो कैसे था, उसका दिमाग संतुलन में था, हिला हुआ था या जगह पे नहीं था। तो जो भी स्टेटमेंट ए ने दी थी उसके हेल्थ को लेकर जब उसका टाइम आ गया था, तो ये सारे क्वेश्चंस जो टाइम रिलेटेड होंगे, एनी अदर टाइम जब उसने ये सारे सवालों का स्टेटमेंट दिया था, वो सारे सवाल जो है रेलेवेंट हो जाएंगे जिस समय आपने वो सारी चीजों की बात करी थी। ठीक है? ठीक है, यस मैम। चलो। ए सूज बी फॉर द नेग्लिजेंस इन प्रोवाइडिंग विद अ कैरेज फॉर हायर नॉट रीजनेबली फिट फॉर यूज वेयर बाय ए वॉज इंजर्ड। अब ए ने सू किया बी को, यानी ए ने केस किया बी के ऊपर, नेग्लिजेंस के ऊपर, क्योंकि उसे जो कैरेज दिया गया था वो रीजनेबली फिट नहीं था उसको इस्तेमाल करने के लिए, और जिस वजह से ए को इंजरी हो गई। ठीक है, जो चीज उसको दी गई थी वो रीजनेबली फिट नहीं थी यूज करने के लिए, और इस वजह से जो ए था वो इंजर्ड हो गया। ठीक है, जो मुद्दा कोर्ट के सामने आया, द फैक्ट दैट बीज अटेंशन वॉज ड्रॉन ऑन अदर ओकेशंस टू रिफ्लेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेज इज रेलिवेंट। अब बी का अटेंशन तो था ना कि उसने डिफरेंट डिफरेंट ओकेशंस पे वो दिया रहेगा, उसको पता रहेगा कि ये पर्टिकुलर कैरेज जो है वो रेलिवेंट मतलब नेग्लिजेंटली यूज किया गया है। तो ये जो फैक्ट है कि बी वॉज हैबिचुअली नेग्लिजेंट, वो उसको जब भी देखो वो नेग्लिजेंटली काम करता था, यानी कि उसको जो भी काम दो वो उल्टा ही करके आता था। तो ये सारी बातें अगर अगर ये बात होगी हैबिचुअली की तो वो इरेलीवेंट हो जाएगी, वो रेलिवेंट नहीं होगी। अगर हैबिचुअल की बात है तो वो रेलिवेंट नहीं होगी, अगर हैबिचुअल नहीं है तो ये रेलिवेंट हो जाएगी। तो इसमें दो बातें की गई है, इसमें दो बातें की गई है कि फैक्ट दैट बीज अटेंशन वॉज ड्रॉन, बी का अटेंशन ड्रॉ किया गया था उस ओकेशन पे कि भाई ये जो है ना डिफेक्ट है इस बात में, ये कैरेज डिफेक्टिव है, तो ये पर्टिकुलर बात करी गई तो ये रेलेवेंट हो गई। लेकिन मैं बोलूं जब भी साला आता है गलत काम ही करता है, इसको ये करने के लिए बोलो बेवकूफ ये करता ही नहीं, इसको वो करने के लिए बेवकूफ ये भी बराबर नहीं करता है, तो ये हैबिचुअली नेग्लिजेंट काम करता है तो इसको ये प्रूव होता है कि वो तो भाई इरेलीवेंट है। क्लियर? क्लियर? मैम हाँ, मैम कैरेज क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कैरेज को? मैम वही तो पूछ रहे हैं मैम। अरे कैरेज हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं बताती हूँ तुमको। क्या करने वाला, कैरेज क्या क्या कुछ सामान, सामान कैरेज? कैरी करने वाला, नहीं, कुछ सामान। कुछ सामान कैरी करने वाला कैरेज, जैसे झोला हो गया, बैग हो गया, ये सब हाँ, जो वही ऐसा ना, कुछ। कुछ सामान हाँ सामान कैरी करने के लिए, हाँ ओके कि सामान कैरी कैरी करने आर्टिकल्स, कि कैरी आर्टिकल्स, दैट्स अ मैम, तो वो तो कैरेज। कैरी होता है मैम। हाँ तो कैरेज है ना। अभी देखो मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, एक मिनट रुको। अरे मैम एक मिनट में क्लियर करता हूँ मैम। कैरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं उसको हिंदी में कुछ ऐसे बोलू क्या? टू कैरी समथिंग, फॉर मी इट इज टू कैरी समथिंग। अभी आप उसको क्या ओके बोलते मैम, हो मेरे को नहीं ओके मालूम। मैम। ओके उसमें हाँ कैरेज का मतलब सवारी हो भी हो सकता है, डिब्बा भी हो, मतलब माल धुलाई के लिए जो भी ऑप्शन आ हाँ सकता है जो ना। चीजें है ना, हाँ, वाहन भी आ सकता, कैरी कोई भी समथिंग फॉर जो, मी टू इज कैरी हाँ समथिंग, कुछ कुछ चीजों हाँ को उठाने के लिए जो अपन यूज करते। हाँ वो डब्बा बब्बा भी हो सकता है, हो हाँ सकता परिवहन भी हो सकता है ना, परिवहन जो माल धुलाई के लिए होता है वो भी आ सकता है उसमें। हाँ वो भी हो सकता है। ठीक है, दैट्स अ कैरेज। नाउ ए इज ट्राइड फॉर क्राइम, ए को क्राइम के लिए ट्राई किया गया था। द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग एन इंटेंशन टू कमिट दैट पर्टिकुलर क्राइम इज, यानी कि उसका इंटेंशन वहां पे देखा था कि ये क्राइम वो करना चाह रहा था।
तो पर्टिकुलर क्राइम जो करना चाह रहा था वो रेलेवेंट हो जाएगा, जिस चीज को वो करना चाह रहा था वो क्राइम के बारे में वो तैयार था कि मुझे ये करने का है, इसको लगाने का है, यानी कि रामपुरी चाकू रेडी है, ठीक है, वो पर्टिकुलर क्राइम के लिए ये था। द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग अ जनरल डिस्पोजिशंस टू कमिट अ क्राइम ऑफ दैट क्लास, अगर वो बोलता है कि नहीं भाई ये जो है ये जनरल है ये करता ही रहता है, तो वो इरेलीवेंट नहीं हो जाएगा, वो इरेलीवेंट होगा। जो चीज हम करते रहते हैं हैबिचुअली वो इरेलीवेंट होगी, अगर हम हैबिचुअली नहीं करते हैं तो वो रेलेवेंट हो जाएगी, ठीक है। चल होप यहां तक क्लियर, मैंने आप लोगों को एक भी मिस आउट नहीं करी है, मैंने सभी यस लिया ना कि कुछ मिस आउट हो मैम, गया। नो मैम, कोई मिस नहीं हुआ। चलो अब मैं आप लोगों को इन शॉर्ट लेती हूँ कि यहाँ पर बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स के लेकर जो बातें बताई जा रही थी, तो आपने यहाँ पर देखा कि मैंने इससे पहले भी कहा किसी के मन में क्या चल रहा है मुझे मालूम नहीं है। तो देखो इंटेंशन जो होता है कल्पेबल होमोसाइड में अलग होता है, स्टोलन प्रॉपर्टी में अलग होता है, हिट एंड रन केस। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिट एंड रन केस के बारे में बताती हूँ। जब 304A रैश एंड नेग्लिजेंस के ऊपर होता था, ठीक है, तो उसकी सजा क्या थी, उसकी फाइन क्या थी। अब जैसे मैंने कहा कि चक्का जाम हो चुका था, कहीं ना कहीं इन लोगों ने ये कर दिया, 7 वर्ष जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं 10 साल की इम्प्रिजनमेंट हो गई, 7 लाख रुपीज का फाइन हो गया। तो ये सारी चीजों को लेकर जो हिट एंड रन पे हैवॉक क्रिएट हो गया कि ट्रक ड्राइवर अगर गलत ना भी हो तो ट्रक ड्राइवर को निकाल के सब लोग मारना चालू करते, साले तूने ये किया वो किया तेरी गलती है तूने कैसे किया, अगर वो भागेगा भी तो लोग उसको पकड़ पकड़ के मारेंगे, आ इधर, ड्राइवर की गलती ना भी हो, अगर समझो जो कार चला रहा है वो दारू पी के चला रहा है और दारू पी के उसने ट्रक वाले को घुसा दिया, अब उसमें ट्रक वाले की क्या गलती होगी, वो तो अपना सीधा सीधा जा रहा है, अगर ऐसे कुछ हो गया फिर भी ट्रक वाला मार खाता है तो ड्राइवर क्या करता था, वहां से भाग जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टेट ऑफ माइंड दिख रहे फील कर रहे हो कि अलग है, बॉडीली फीलिंग अलग है, बॉडी अलग है। तो ये सारा मामला जो है ना हिट एंड रन का केस वो सेक्शन नंबर 12 में आता है अभी, ठीक है। यहाँ पर आप सेक्शन नंबर 12 को हिट एंड रन केस भी लिख दीजिए, ठीक है, समझा। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जो हिट एंड रन केस है, जैसे कि कोई हिट किया और चला गया, अगर मान लीजिए कि उसके सामने वाले की गलती ना हो जो हिट किया है, उसके इंटेंशन ना हो, अनइंटेंशनली गलती से हिट कर गया, अगर भीड़ कोई मिल के उसको अगर जान ही से मार देती है, ठीक है, तो उस भीड़ पे भी कार्रवाई होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, इसीलिए तो ये जो BNS बनाया गया है ना, अब इसको स्ट्रिक्ट इसीलिए तो किया ना, इसीलिए तो ये कर रहे हैं ये लोग, भीड़ भी उस पर्टिकुलर हिस्सा थी ना, भले उनका इंटेंशन नहीं था, भले उनको क्राइम नहीं करना था, लेकिन उनका काम नहीं था ना कि बस उसको मार मार के मार डाला, ठीक है, तो वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के बीच में तो आ गए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसमें एक पॉइंट है मैम। पॉइंट ये है कि पहले हिट एंड रन केस से पहले जब कोई एक्सीडेंट होता था, तो उसमें ये होता था कि गाड़ी आउट ऑफ